कि आप लोग देखिए ताकि आपके अंदर जो जुनून पैदा हो कि ताकि इनके घर में कुछ भी हो, राशन वगैरह आप ला कर दे सकते हैं। अगर अल्लाह ने आप लोगों को दिया है, अल्लाह ने उतना नवाजा है आपको, तो आप इनके जो पैसे से कोई सामान से किसी तरह के भी मदद कर सकते हैं। कौन लगेगा ये? मेरा भाई है बड़ा। तो अगर बड़ा भाई है तो इनके साथ में क्या प्रॉब्लम है? इनके साथ में प्रॉब्लम है, 6-7 महीने से तबियत खराब है, बीमार है। इनका डॉक्टर के पास ले गए तो पहली बार जांच किए, फिर इनका खून और पेशाब में इंफेक्शन बता रहा था डॉक्टर, तो डॉक्टर दवाई दिया तो और ज्यादा हो गया। उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो फिर उसके पास 35-35 हजार रुपया खर्चा हुआ। हम लोग किसी कदर गांव वाले से समाज से मदद करके हम इसका इलाज किए। मेरा बड़ा भाई है और हमारा भी उतना ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इसका ज्यादा से ज्यादा इलाज कर पाएंगे, इसीलिए फिर हम इसको कल ले गए थे पूर्णिया। तो जांच नहीं कराए, जो जांच डॉक्टर लिखा था तो जांच बहुत बराबर था, तो पैसे के वजह से हम जांच नहीं कर पाए। जो दवाई लिखा था सिर्फ वही दवाई लेके हम घर आए हैं और वही दवाई चला रहे हैं, लेकिन पैसे के वजह से हम इसका जांच नहीं कर पाए। हमारा भाई के लिए और कुछ 2-4 रुपया या 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया जिससे जितना हो सके और मेरा भाई के इलाज के लिए हम मदद कीजिए। मेरा मदद कुछ मिल जाता है, इलाज कराया तो बढ़िया है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले ये शख्स जो नजर आ रहे हैं आपको, इसके पास हम आए थे, आप लोगों को मतलब जो बताया गया था कुछ पैसे के लिए कुछ मदद मांगा गया था, तो मतलब वो वीडियो में मैंने बनाया तो कुछ वो वीडियो ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं फिर से आया हूँ इनके घर आज। ये बहुत ही मतलब मजबूर हैं, कल ये लोग गए थे डॉक्टर के पास, तो इतने पैसे इसके पास नहीं है कि ये कुछ इलाज कराएं अपने लिए, तो मतलब ये बहुत ही मजबूर है, बहुत ही लाचार है, तो बहुत ही बेबस है। इनके पास कुछ पैसा नहीं है कि मतलब कुछ अपना इलाज करें, घर में फैमिली में कुछ कमाने वाला कोई भी नहीं है और कहीं से इसका कोई आमदनी नहीं है कि अपने ऊपर जो है इनकी बीमारी जो है वो मतलब इलाज कराए, ख़त्म कराए। तो आप लोगों से ही कहना चाहते हैं कि इनके लिए आप लोग जो भी हो सके, इनके अकाउंट नंबर फोन पे नंबर सब दे दिया जाएगा, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दें और ताकि मतलब इनकी जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला आपके जरिए से इनकी जो मुसीबत है वो ख़त्म कर दे। कुछ पैसा अगर आप भेजेंगे तो हमारे भाई कुछ आए थे यहाँ देखने के लिए, तो हमारे ये भाई साहब हैं उस पार असुरागढ़ से आए हैं, ये हमारे सिरसी से हम लोग सब आए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ कदम चौक जो है मुरादपुर गाँव है, चंदेल पंचायत है, अनगर थाना है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं, आकर के मतलब इनकी जो है माली इमदाद कर सकते हैं। तो भाई इनका मतलब यही है कि इनके जो भी अगर प्रॉब्लम है जो भी है तो बस सब पैसे के हैं जी, पैसे इनके पास अगर पैसा होगा तो भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास पैसा होगा तो इलाज कर सकते हैं। घर में अच्छे हालात नहीं है इनके, अपनी फैमिली में कितने लोग हैं? जिनके फैमिली में 5 आदमी है, 5 मेंबर से है ये, इसका 2 लड़की है, 1 वाइफ है, 1 ये है और 1 छोटा सा बच्चा है लड़का। अच्छा, और कमाने वाला इसका कोई है नहीं? कोई नहीं है जी। तो बस ये कोई नहीं है, आप ही लोग अगर चाहेंगे तो भाई 2-4-10 रुपए देके इसको जो है ना तो मदद अगर करेंगे तभी इनका होगा, नहीं तो इसका फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि इनके लिए जो इमदाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा करें, जो भी हो 2-4-10 रुपए मिलकर ही करेंगे। भाई नहीं कर सकते तो वीडियो को आगे आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग देखते हैं मगर वीडियो जो है कुछ आगे नहीं भेजते हैं, लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप कुछ लास्ट में कुछ ऐसा बोलिए लोगों को जो आप मदद करें, कैसे क्या कर सकते हैं बोल दीजिए। आप लोग से यही अनुरोध है या दुआ करते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए हमारे भाई के लिए और कुछ 2-4 रुपया या 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया जिससे जितना हो सके और मेरा भाई के इलाज के लिए हम मदद कीजिए। मदद कुछ मिल जाता है, इलाज कराया तो बढ़िया है भाई, ऐसा कहना चाह गया कि मदद अगर कर दो अगर भैया बढ़िया से इलाज करवा चाहे अपना, चाहे पैसे नहीं चाहते की करवे की बोलवे, तो बस यहाँ लोग छे इंशाल्लाह एडा चीफ जैसे बड़े बड़े आदमी तक पहुँचा। मैं इतने बोलना चाहता हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा मदद का ज़रूरत है, ठीक है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का कोशिश कीजिए लोग को, ताकि इनका इलाज अच्छे से हो जाए। और हम लोग से भी जितना जो होता है तो हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं, और आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा तभी इनका थोड़ा कुछ मदद हो पाएगा, ताकि इनका जान सही सलामत हो जाए। हम सामान जो है दिखाने का मकसद नहीं है, मगर आप लोगों की तरफ से अगर अच्छा खासा मदद होता है तो हम इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे, थोड़ा यहाँ लेके आइए, थोड़ा मतलब लोगों को यह दिखाना है कि हम मदद करके दिखाते नहीं हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग देखिए ताकि आपके अंदर जो जुनून पैदा हो कि ताकि इनके घर में कुछ भी हो, राशन वगैरह आप ला कर दे सकते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं लेके आ पाए, हमारे अंदर उतनी हैसियत नहीं है। अगर अल्लाह ने आप लोगों को दिया है, अल्लाह ने उतना नवाजा है आपको, तो आप इनके जो पैसे से कोई सामान से किसी तरह के भी मदद कर सकते हैं। तो बस कल अब रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ईद का दिन है, तो हम कुछ इसमें जो है यही ईद के लिए कुछ सामान लेके आए, ताकि इसका जो इतना तो कुछ नहीं है इसमें, मगर थोड़ा बहुत कुछ हम लेके आए हैं
थोड़ा तो एक दो दिन तो हमारे से ऐसे कुछ नहीं, अल्लाह की तरफ से इसके इसके जो है मदद कुछ किया गया है, इसके अंदर कुछ है, मतलब ईद के दिन थोड़ा घर में से काम आएगा, हमारे कुछ सामान से जिंदगी नहीं गुजर जाएगा इसका, मगर दो चार पल ये एक टाइम कुछ अच्छा से खा सकते उतना ही है बस। हम नहीं कहते हैं कि हम मदद कर दिया, बस अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने हमको दिया, अल्लाह ने आप लोगों को दिया, तो आप लोग इसके कुछ मदद कीजिए, और बस कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे हम कि भाई इनके खाता नंबर में, अकाउंट नंबर में, फ़ोनपे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पैसा डालें, और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, वीडियो को आगे भेजेंगे, तो भाई इनका जो मदद होगा, नहीं तो मदद नहीं हो पाएगा। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अपडेट देंगे कभी। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़।